दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक्नो एजुकेशन एकेडमी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ईबीडी टेक्नोलॉजी के बारे में। जब भी आप मार्केट में जाओगे और कार देखोगे तो आपको कई सारे फीचर देखने को मिलेंगे, तो उसमें से ही एक फीचर है ईबीडी, जो एक्टिव सेफ्टी सिस्टम है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। हमारे जो पहले का लेक्चर था ABS, तभी हमने डिस्कस किया था कि भाई ऑटोमोबाइल में टू टाइप्स ऑफ सेफ्टी सिस्टम आती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव सिस्टम उसे बोलते हैं कि जो आपकी कार है वो क्रैश हो जाए उससे पहले जो सिस्टम काम करती है उसे बोलते हैं एक्टिव सेफ्टी सिस्टम। दिस इज द वन ऑफ द एक्टिव सेफ्टी सिस्टम एंड ABS ऑल्सो इट इज अ वन ऑफ द एक्टिव सेफ्टी सिस्टम। और पैसिव सेफ्टी सिस्टम किसे बोलते हैं? जब आपकी कार कोई ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक होती है, ओके, तभी क्या होगा, आपकी कार में जो एयरबैग होती है वो ओपन हो जाएगी। इट इज कॉल्ड पैसिव सेफ्टी सिस्टम, ओके, जो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए है आफ्टर एक्सीडेंट और आफ्टर इंपैक्ट। ओके, जब भी आपकी कार क्रैश हो जाएगी तभी एयरबैग ओपन होगा, उसे बोलते हैं पैसिव सेफ्टी सिस्टम। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक एक्टिव सेफ्टी सिस्टम पे, जिसका नाम है EBD, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आपके कुछ फंडामेंटल क्लियर करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल, जब भी आप कार चलाते हो और सडनली आप ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, जो पैसेंजर का वेट है, मींस कार का जो वेट है, व्हीकल वेट होगा, आपका जो वेट है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन एवर यू सडनली एक्सेलरेट द कार, जब भी आप कार को सडनली एक्सेलरेट करोगे तभी क्या, इट विल बी शिफ्टेड बैकवर्ड, वो क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो दोस्तों, ऐसी कई सारी कंडीशन है, जब भी आप अकेले राइड कर रहे हो कार, ओके, जब भी आप फैमिली के साथ जाते हो, ओके, जब भी आप टर्न लेते हो, तो इन सभी कंडीशन में वेट होता है जो व्हील्स पे वो अलग अलग बना रहता है। ऐसा नहीं कि भाई चारों व्हील्स पे कॉन्स्टेंटली सेम वेट लगेगा, सेम वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चला कि भाई कार में जो व्हील्स होते हैं, सभी व्हील्स में क्या है, अलग अलग वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, वो किस पे डिपेंड रहता है कि भाई नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर आगे कितने बैठे हैं, पीछे कितने बैठे हैं, वेट का लोडिंग है, लोडिंग मीन्स वेट आगे ज़्यादा है पीछे ज़्यादा है। जब भी आप टर्न लेते हो तभी भी क्या होगा कि जो व्हीकल्स का वेट है वो आउटर साइड शिफ्ट होगा। तो ये सभी कंडीशन में आप देखते हो कि अलग अलग व्हील्स पे अलग अलग वेट बना रहता है, मीन्स जब भी आप ब्रेक लगाओगे इस कोई भी कंडीशन में, कि आप कार चलाते हो और आप टर्न ले रहे हो तभी आप ब्रेक लगाते हो, तो ब्रेक लगाओगे तो आपको पता है कि भाई जब भी हम टर्न लेते हैं तो इनर साइड व्हील और आउटर साइड व्हील होते हैं, तो आउटर साइड व्हील पे वेट ज़्यादा बने रहेगा, बिकॉज योर व्हीकल वेट विल बी शिफ्टेड आउटवर्ड। ओके, तो जब भी आप टर्न लेते हो तो क्या होगा, जो व्हीकल का वेट है वो बाहर की तरफ शिफ्ट होगा। ओके, सो उससे क्या होगा, उस व्हील्स पे ज़्यादा वेट बना रहेगा एज कंपेयर टू इनर व्हील। ओके, सेम एज मैंने आपको बताया कि भाई कोई अकेला ही कार चला के जा रहा है और वो सडनली ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, जो उसका जो वेट है, ओके, तो वो क्या है, आगे की तरफ ज़्यादा है, पीछे की तरफ कम है। ओके, जब भी आप स्लोप पे जा रहे हो तभी भी क्या होगा, वेट अलग अलग होगा। सो इस कंडीशन में जब भी हम ब्रेक लगाएंगे तो तभी हमें डिफरेंट व्हील्स को ब्रेक लगाने के लिए डिफरेंट प्रेशर फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में क्या है कि भाई हमें डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रेशर चाहिए टू स्टॉप द व्हीकल। ओके, डिफरेंट ब्रेकिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो इस कंडीशन में क्या है कि चारों व्हील में हमें ब्रेक लगाने के लिए अलग अलग प्रेशर फोर्स की रिक्वायरमेंट है। जो आप सेम प्रेशर दोगे तो क्या होगा कि चांसेस है कि आपका जो व्हीकल्स है वो स्कीड होगा, आपकी स्टेबिलिटी भी चले जाए। सो इस कंडीशन में ये ABD सिस्टम काम करता है। ओके, जो ABD में क्या होता है, चार सेंसर होते हैं चार व्हील्स के साथ। वो सेंसर क्या करते हैं, वो सेंसर कंटिन्यूअसली मॉनिटर द स्पीड, वो क्या करते हैं, व्हील की स्पीड कितनी है, उस पर कितना वेट बना रहा है, वो कंटिन्यूअस मेजर करते हैं। और वो सेंसर्स ECU को सिग्नल देते हैं। ECU आपको पता ही होगा, ECU मीन्स कंप्यूटर, मीन्स इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। वो पूरा का पूरा जो कार है, जो कार का जो कंट्रोल बना रहता है, ओके, उसे हम कार का ब्रेन भी बोलते हैं। ECU मीन्स इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट।
जो कार का जो पूरा नियंत्रण होता है वो ECU के तरह होता है। तो सेंसर से वो सिग्नल लेता है और वो हाइड्रोलिक सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम को सिग्नल देता है और वो इक्वल प्रेशर चारों व्हील पे बनाए रखता है, जिससे आपकी जो कार है वो स्कीड नहीं होगी, आपको अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। जो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।